दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप वीडियो के लिए कैमरा खरीदना चाहते हो तो मोस्टली लोग जो करते हैं वो सोनी के कैमरास खरीदते हैं। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए गए आइकॉन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले सारे वीडियोस को देखने के लिए कृपया बेल बटन को दबाना ना भूलें। सोनी अपने बहुत सारे एडवांस फीचर्स देता है आपको बजट में, कि जो लोग एडवांस एड शूट करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं या फिर कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाते हैं तो मोस्टली वो GS5 खरीदते हैं, क्योंकि GS5 का जो कैमरा होता है वो आपको प्रोफेशनल क्वालिटी वाले वीडियो देता है। वो 10 बिट शूट करता है, वो 4K 60 फ्रेम शूट करता है और 4:2:2 कलर में मोड में वो शूट करता है। तो उनको ये ध्यान में रखना है कि जब भी वो सोनी के कैमरा खरीदे या फिर तो 6000 ना खरीदे, वो या तो 61 लेटेस्ट जो आया है वो खरीदे या फिर वो 6300 खरीदे या फिर उसके ऊपर के जितने भी रेंज हैं वो खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें 4K आपको मिलेगा शूट करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास गिम्बल है, स्टेबलाइजर है ऑलरेडी, तो आप चाहे तो 6300 खरीद सकते हो, चाहे तो 6100 भी खरीद सकते हो या फिर 6400 भी खरीद सकते हो अगर आप व्लॉगर हो। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको आपके पास गिम्बल ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप अपने कैमरे को गिम्बल के ऊपर ही यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हो कि एकदम से मुझे ऐसा सेटअप चाहिए जो मैं कहीं भी लेके जाऊं और आसानी से शूट करूं, मुझे गिम्बल मेरे पास है नहीं और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है और मुझे बजट में ही चाहिए सोनी का कैमरा, तो मैं आपको बताऊंगा आप 6300 खरीदे या फिर 6100 खरीदे, उसमें से कोई एक खरीद सकते हैं। लेकिन आप जब लेंस खरीदेंगे तो आपको उसको ध्यान रखना है, 6350 तो आपको ऑलरेडी मिल ही जाएगा। अगर आपको इसमें वीडियो करना है 6100 और 6300 में अगर वीडियो करना है विदाउट स्टेबलाइजेशन, अगर आपको 61 और 6300 में अगर वीडियो शूट करना है, आपके पास कोई गिम्बल नहीं है, ना ही स्टेबलाइजर है, आप ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, तो आपको एक लेंस ज़रूर खरीदना पड़ेगा और वो लेंस है सोनी का 18-105 f/4। ये लेंस ऐसा है जिसे वीडियो लेंस ही कहा जाता है, जो मोस्टली ये ऐसा लेंस है जो सोनी के सिनेमा कैमरेज में भी यूज़ होता है। तो ये लेंस को आप ऐसा छोटा मोटा लेंस मत समझिए, इसमें पावर जूम होता है। पावर जूम का मतलब ये जब आप जूम करेंगे तो ये कैमरा अपने आप ही जूम करेगा, इसको आपको रोटेट नहीं करना है क्योंकि ये एक्सटेंड भी नहीं होता है, ना ये आगे की तरफ निकलता है। तो ये बस आपको ये पावर जूम क्लिक करने से ये अपने आप ही कैमकॉर्डर की तरह जूम इन करता है और कैमकॉर्डर की तरह जूम आउट करता है। बहुत ही वाइडली सोनी का यूज़ होने वाला ये लेंस है। अगर आपके पास स्टेबलाइजेशन नहीं है, गिम्बल नहीं है, तो आप 6100 खरीदें या फिर 6300 खरीदें, बजट में आपको मिल जाएगा और ये स्टेबलाइज लेंस खरीदें तो आप कहीं पे भी व्लॉगिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी शूट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप वीडियो का वीरोल्स निकाल सकते हैं, कहीं पे भी सिनेमेटिक वीडियोस आप शूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे और भी एडवांस लेवल पर जाना है तो आप प्राइम लेंस खरीदें फिर, और जब आप प्राइम लेंस खरीदेंगे और आप 61 और 6300 के साथ यूज़ करेंगे तो आपको एक गिम्बल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर गिम्बल नहीं है तो आपके सारे फुटेज बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे फुटेज शेकी होंगे। बहुत ही ध्यान में रख के आपको वीडियो शूट करना पड़ेगा और आप कहीं भी फ्रीली वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये ध्यान रहेगा कि आपका मेरा हाथ हिल रहा है या फिर कहीं पर ये स्टेबल नहीं हो रहा है, या मूवमेंट आप नहीं दे पाएंगे। आपको कैमरा को एकदम स्टेबल एक जगह लगा कर ही शूट करना पड़ेगा। अभी जैसे कि इसके दो लेंसेज आए हैं मार्केट में, सिग्मा के 30mm 1.4 जो मेरे पास हैं, और एक जो लेंस मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो 16mm 1.4 है। तो जैसे मैं शूट कर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि ये एक स्टेन के साथ खड़ा हुआ लेंस है। अगर आप मैं इसे थोड़ा भी हिलाता हूँ तो ये हिलेगा, क्योंकि 6300 में लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि और भी दूसरे लेंसेज के साथ आप एक्सपेरिमेंट करके वीडियोज़ निकालें, प्राइम लेंसेज भी डालें अपने किट के अंदर, तो आपको 6500 ही लेना है या फिर 6600 जो अभी के लेटेस्ट आया है। तो ये जो दोनों कैमरे के साथ आपके कोई भी लेंसेज आप लगा लीजिए, वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप के पास गिम्बल है तो आप 61 या फिर 6300 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि गिम्बल के साथ कोई भी चीज़ स्टेबलाइज हो जाती है। अगर आप गिम्बल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 61 या 6300 से आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप कोई भी लेंस ले सकते हैं। अगर आपके पास गिम्बल नहीं है तो इसका ध्यान रखिए कि 61 या 6300 खरीदें और साथ ही साथ एक स्टेबलाइज लेंस ज़रूर खरीदें, क्योंकि ये दोनों कैमरे में स्टेबलाइजेशन नहीं होता। और अगर आपके पास 6500 है, 6600 है, तो आप कोई भी लेंस खरीद सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बजट सेगमेंट में अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो एक 18-105 के साथ 6100 या फिर 6300 खरीद सकते हैं। तो मैं चैनल को देने के लिए धन्यवाद, और आपको अगर वीडियो से कुछ समझ में आया फिर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर।